पुण्य धाम तुमको अर्पित लाखों प्रणाम, तुमको अर्पित लाखों प्रणाम। तुम में सब सब में तुम ही हो, तुम में सब सब में तुम ही हो, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हे आनंद घन हे सुख राशि, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। तुम ही मथुरा श्रुति भगवती का जो मंत्र है बृहदारण्यक उपनिषद का, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः, किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरं अनुसंजरे। आत्मानं चेत् यदि कोई साधक साधना करके शास्त्र और संत के माध्यम से श्रवण मनन निधिध्यासन करके अपनी आत्मा को जान ले, अपने स्वरूप को अनुभव कर ले, और ऐसा अनुभव करे परोक्ष नहीं बल्कि अपरोक्ष, अयम अस्मि यही चेतन तत्व, यही आत्मा मैं हूँ, अयम अस्मिति, यह जो विषय है वो नहीं बल्कि विषयी चेतन, यह जो देह है ये नहीं बल्कि देह के भीतर रहने वाला सब व्यापक चेतन, वही मैं हूँ, अगर ऐसा अनुभव कर ले, ऐसी अनुभूति उसकी हो जावे, किमिच्छन फिर किसकी कामना करेगा। इसलिए जी तो किमिच्छन अगर आत्मा को कोई जान ले, अपने स्वरूप को जान ले, वो भी परोक्ष नहीं बल्कि अपरोक्ष, अयम अस्मि यह जो अपना चैतन्य स्वरूप है यही मैं हूँ, तो किम इच्छा फिर कौन सी वो इच्छा करेगा, कस्य कामाय फिर किसकी कामना हम करें। फिर लौकिक जगत में छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम देहात्म बुद्धि वाले क्यों बने, शरीरम अनुसंजरे, देहात्म बुद्धि क्यों हो अगर आत्मा को जान ले। तो इस मंत्र में जो ऊपर की एक लाइन थी, आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः, उस पूरी लाइन की व्याख्या 135 श्लोकों में होगी। परोक्ष क्या है, अपरोक्ष क्या है, प्रत्यक्ष क्या है इसका वर्णन हुआ, आवरण क्या है, विपर्य भावना क्या है इसका वर्णन हो गया, पूरा विस्तार हो गया। अब जो इस मंत्र की नीचे की लाइन है, किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरे, उस नीचे की लाइन की व्याख्या अगला पूरा का पूरा प्रसंग है। तो यहाँ से शुरू होता है, ऐसा तत्ववेत्ता महापुरुष किम इच्छन किसकी कामना करे, जैसे ईशा वासवती कहती है कस्य सिद्धन, किसका धन है, किसका किसकी वस्तु है, तो उसको कहते हैं। जब एक बार साधना करके अनुभूति हुई, क्या अनुभूति, इस श्लोक पर ध्यान देते रहे ना, बस पढ़ो आज। जगत मिथ्यात्वधि जगत के प्रति ही, जो जो जगत माने जायते गच्छत तिष्ठत इव, जो जन्म लेता है परिवर्तित तो होता रहता है और एक दिन जाकर के विनष्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं जगत। उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये तीनों जिसमें है वो सब हमारे जगत की श्रेणी में है। जब हम जगत कहते हैं तो जगत की हमारी परिभाषा है कि जहाँ जहाँ पर भी उत्पत्ति प्रलय और बीच में कुछ काल तक स्थिति दिखाई पड़ती है वो सब का सब हमारा जगत के ही अंतर्गत है। ये सारे जगत को जिसने मिथ्या समझ लिया अपनी बुद्धि में, ऐसी चिंतन धारा उसने बना लिया, और धी भाव, हाँ यहाँ पर देखो, जगत मिथ्यात्व धी भावत, ऐसी भावना उसकी पक्की हो गई है,
जिसको कल कहा था दृढ़ भावना, दृढ़ बोध। जगत पूरी तरह से झूठा है ये बिल्कुल उसके हृदय में दीप भाव पूरा का पूरा पक्का हो गया है। तब उसके चित्त में, उसके चित्त में आक्षिप्तो काम काम को, ये जो दो प्रकार की चीजें होती हैं उसमें उसका बुद्धि क्यों जावेगी? कौन सा? काम में और कामुक। काम में माने विषय और कामुक माने विषयों की कामना करने वाला, कामना करने वाला। तो काम में माने कोई वस्तु, कोई वस्तु व्यक्ति जिसको हम चाहते हैं, और जो चाहने वाला है, ये दोनों, वो विषय और विषय को चाहने वाला, ये दोनों का अभाव हो गया। तयो अभावी दोनों का अभाव हो गया। कितना बढ़िया विषय है अगर विचार करें तो। जब जगत के मिथ्यात्व का चिंतन करते 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 मेरी बुद्धि इतनी पक्की हो गई, दृढ़ बोध हो गया कि यहाँ काम में और कामना करने वाला दोनों का अभाव हो गया, ना कोई वस्तु रही जिसको पाने की इच्छा है और ना पाने को चाहने वाले रहा, दोनों खत्म हो गए। तो संतापा सामिन तय और अभावे, दोनों चला गया, काम में और काम, विषय और विषय को चाहने वाला, दोनों का अभाव हो गया, क्योंकि जगत का मिथ्यात्व हो गया, जड़ कट गई। तो पेड़ अपने आप धराशायी हो गया। पेड़ धराशायी हुआ तो चिड़िया को भगाना नहीं पड़ता, वहां की जितनी घोंसला थी चिड़िया थी वो अपने आप वहां से। आपने केवल जड़ काटा, जड़ काटते ही पेड़ गिर गया, वहां के सारे पक्षी अपने आप चले गए। उसी प्रकार से जैसे जगत के मिथ्यात्व का भाव दृढ़ हो गया, तब ये विषय और विषय की कामना करने वाला दोनों का अभाव हो गया। तयोर अभावी, जब दोनों चले गए तो संतापः साम्यं, ये जो मन का संताप था, मन की चिंता थी, परेशानी थी, साम्यं, ये मतलब पूरी तरह से शांति को प्राप्त हो गया, इसी क्षण शांति हो गया। कैसे महाराज? दृष्टांत तो बताओ। तो दृष्टांत बहुत बढ़िया बताया, हमने एक दीपक जलाया था कमरे में, उस दीपक में दिया है, उस दीपक में बाती है, वो दीपक तब तक जलता है जब तक उसमें स्नेह है, चिकनापन है, तेल या घी, स्नेह कहते हैं चिकनेपन को, तेल घी आदि। अब उस तेल में चाहे आप रिफाइंड का तेल जलाओ, चाहे सरसों का तेल जलाओ, चिकना, तो जब तक उस दिए में आपका तेल घी आदि है तब तक तो दीपक जलता रहता है, और जब उसके भीतर का तेल ही समाप्त हो जाएगा तो दिया भी है और बाती भी है, लेकिन अब दीपक जलेगा नहीं, धीरे धीरे अपने आप ही बुझ जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से साम्य, साम्य इस निस्नेह दीपवत, जैसे दीपक का तेल खत्म हो गया तो दीपक बुझ जाता है, ऐसे भीतर का वो वासना खत्म हो गई, चाह ही खत्म हो गई। जब चाह ही खत्म हो गई तो जगत की सत्ता ही नहीं। आज अखबार में पढ़ रहा था, सवेरे सवेरे अखबार पढ़ रहा था, तो जो लोग पास बैठे थे फ्रंट पेज पर ही बढ़िया बढ़िया मोबाइल के जो है विज्ञापन है। हमने कहा जो बैठे थे उनसे कहा, हम क्या देखें इसमें विज्ञापन, क्या देखें विज्ञापन, हमारे किसी काम ही का नहीं है। क्यों? क्योंकि जो विज्ञापन है इससे कई गुना बढ़िया मोबाइल तो मेरे पास है, और जो है उससे भी शायद बढ़िया मोबाइल मिल जावे, तो कहाँ देखूँ इसको, उसे मोटोरोला का या कोई और, कहाँ देखूँ। तीसरे या चौथे पेज पर गाड़ियों का विज्ञापन है कि मारुति वाले भी छूट दे रहे हैं, हुंडई वाले भी छूट दे रहे हैं। अब मन में आया क्या पढ़ूँ इसको, क्या पढ़ूँ। किसी ज़माने में मैं भी पढ़ता रहूँगा कि इस गाड़ी में कितना जो है, कितने सीसी का इंजन है, कितना इसका जो है टर्निंग जो है लेता है, कितना क्या पढ़ता था। बिल्कुल एक एक चीज़ की आप लोग जानते हो, उनको जानकारी रहती थी। अब क्या जानूँ उसको, क्या देखूँ, क्या देखूँ उसको, जरूरत ही नहीं रही ना। तब श्लोक याद आ गया जो भूल गया था, फिर याद दिलाया ना, आपूर्यमाणम आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठां समुद्रमापः सन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम काम। क्या
बढ़िया बात भगवान ने कहा, जब तक आप बहुत बड़े बहुत बड़े तालाब नदी में नहीं पहुंच जाते हो तब तक छोटे छोटे जो है पानी की जरूरत रहती है। एक बार समुद्र जैसे आनंद से भरे हुए वहां पहुंच जाओ तो छोटे छोटे तालाब गढ़िया की जरूरत फिर नहीं रह जाती। कब तक कामना होती है? जब तक उस असली आत्मा को जाने नहीं। ये लौकिक जगत में देखो किम इच्छन, अब वो तेल ही खत्म हो गया, चाय ही खत्म हो गई, इच्छा खत्म हो गई। क्यों क्यों इच्छा खत्म हो गई? क्योंकि ये वस्तु का अब मेरे लिए कोई अस्तित्व तो नहीं है और इस वस्तु को चाहने वाला भी अब नहीं। काम और काम, किसी को नई एम्बेसडर गाड़ी खरीदनी फिएट, किसी जमाने में राजाओं की गाड़ी थी फिएट, फिएट बड़े लोगों की गाड़ी थी, किसी को चाहिए फिएट नई एम्बेसडर? बोले महाराज किम इच्छन कस्य कामना, किम इच्छन बहुत बढ़िया शब्द है, किसकी कामना करें? क्यों? क्योंकि वो तेल ही नहीं रहा ना, अब वो चाह ही नहीं रही। जब चाह ही नहीं रही तो सारी सृष्टि हो गए हमारे किस काम की? हाँ, चमड़े के जूता खरीदने जाऊं मैं? जब एयरपोर्ट जाते हैं ना तो बढ़िया बढ़िया दुकानें सजी होती हैं टर्मिनल 3 पर पूरी लाइन से वहाँ, हाँ चमड़े की पर्स है, जैकेट हैं, तमाम चीजें, जूते हैं। उस दुकान के अंदर तक जाने की इच्छा नहीं होती, यहां तक कि चमड़े का सूटकेस भी बेच रहा है, बढ़िया ब्रीफकेस बेच रहा है, लेकिन फिर भी उसके भीतर जाने की इच्छा नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए। आप लोग भी मेरे ख्याल में ज्यादातर, आप ज्यादातर कभी कोई बच्चा जबरदस्ती ले जाए अलग बात है, लेकिन आप लोग मैकडोनाल्ड और पिज्जा और बर्गर खाने तो नहीं गए होंगे अपनी शौक से कि गए? बच्चों की मजबूरी में चले गए, चलो बच्चे जा रहे हैं, आप गए कभी वो मैकडोनाल्ड में? क्यों नहीं है? क्योंकि काम नहीं, जाने की चाह ही नहीं, इतनी जरा सी इच्छा ही नहीं रही जी, चाह ही नहीं। बस किम इच्छन, बहुत बढ़िया शब्द है, आप देख लो अपने आप पढ़ लो समझते जाओ। तो तायो अभावी, क्योंकि कामना भी नहीं रही और जो वस्तु है काम्य वस्तु वो सब मिथ्या है, तो कस क्या कामना करे शांत। अरे नहीं नहीं दिखाई तो पड़ रहा है ना, ये माल दिखाई पड़ रहा है, ये वस्तु दिखाई पड़ रही। बोले गंधर्व पत्तने किंचित, एक गंधर्व नगर दिखाई पड़ा, गंधर्व नगर माने माया का, जैसे आकाश में बादल की बादल उड़ते हैं उनमें कभी आपको नगर, कभी राजा, कभी हाथी, कभी सेना, कभी घोड़ा, वो बादलों के बीच में बना हुआ दिखाई पड़ जावे, इसको हम कहते हैं गंधर्व नगर, जो है नहीं और दिखाई पड़ जावे, जिसकी सत्ता है नहीं लेकिन फिर भी प्रतीति हो जावे, वो गंधर्व नगर। बचपन से सुना है चंद्रमा के बीच में क्या है, बुढ़िया चरखा कात रही है कि खरगोश है गोद में? चंद्रमा के बीच में खरगोश है या बुढ़िया चरखा कात रही, क्या कहोगे? बोल नहीं रहे हो। चंद्रमा का नाम शशांक क्यों रखा गया? शशांक चंद्रमा का नाम है, शस है जिनके अंक में, कौन सा समास हो गया? जिसकी गोद में खरगोश है। अभी हमारे संस्कृत भाषा की महिमा है, ससमान्य खरगोश, अंकमान्य गोद, जिनकी गोद में अभी, ये तो हमने एक उत्प्रेक्षा किया ना, कल्पना किया ना, वहाँ वहाँ कोई खरगोश नहीं बैठा है चंद्रमा में, लेकिन आपको लगता है कि खरगोश बैठा है तो आपने नाम रख दिया उसका शशांक। हम लोग बचपन में कहते थे बुढ़िया चरखा कात रही है, देखो ना वहाँ बुढ़िया है ना चरखा है ना सूत है, केवल आपका ऐंद्रजालिक आपके मन की, मन रूपी इंद्र ने सब बना रखा है, आपके मन की कल्पना है, आपका जैसा मन था वैसे वहाँ पर कल्पना कर लिया, इसको हम कहते हैं गंधर्व। गंधर्व नगर माने पूरा नगर दिखाई पड़ता है लेकिन असल में है ही नहीं। फंसना मत, संभल के रहो। दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रमण करने वाले
जिनसे ज्यादा आज तक भ्रमण करने वाला कोई ना हुआ है ना होगा, उनका नाम देवर्षि नारद। ठीक है, एक्सेप्टेड कि नहीं? जिनसे ज्यादा आज तक विचरण करने वाला परिव्राजक ना हुआ है और ना होवेगा। सनत कुमार भी कम से कम एक जगह पर बैठ के भागवत कथा सुनाते हैं और नारद तो ढाई घड़ी से ज्यादा एक जगह पर। ठीक है, इतना ज्यादा भ्रमण करने वालों को एक नगर दिखाई पड़ गया जिस नगर को उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। रामायण पढ़ा है ना, सबसे ज्यादा भ्रमण करने वाले को नगर दिखाई पड़ा। एक राजा है, उसकी एक कन्या है, जहां पर वहां स्वयंवर हो रहा है, जो नगर कभी देखा ही नहीं था देवर्षि नारद ने। कौन सा नगर है वो, कौन सा नगर है? किसी ने नहीं देखा था, ना किसी ने देखा था ना स्वयं नारद ने देखा था। अच्छा, उसके बाद में वहां का राजा, राजा का नाम क्या था वो? शीलनिधि। कन्या का नाम था विश्वमोहिनी। ठीक है, स्वयंवर की घटना हो गई, सब का सब बरमाल वगैरह जो था हो गया, और उसके बाद जब भगवान ने अपनी माया को खींच लिया तो कहां गया वो नगर? वो नगर कहां गया? जब श्राप दे दिया देवर्षि नारद ने और भगवान ने श्राप को धारण कर लिया और माया को खींचा, तो वो कन्या विश्वमोहिनी, वो राजा शीलनिधि, वो नगर, वो सैनिक, वो दरबार, वो स्वयंवर कहां गया सब? उसके बाद उस नगर की चर्चा कहीं और है शास्त्र में? जिस नगर के राजा शीलनिधि थे उस नगर की चर्चा और कहीं कहीं तो होनी चाहिए ना। मिथिला की चर्चा तो है ना, यहाँ भी है, वहां भी है, वहां भी है। अयोध्या की चर्चा तो है ना, तमाम जगह पर है ना, तो उस नगर की भी तो चर्चा होनी चाहिए। बोले नहीं, वो नगर था ऐंद्रजालिक निर्मित, वो सब भगवान की माया का बना हुआ था, इंद्र का जाल, जादूगर, जादूगर ने जादू बनाया, जादू का खेल था। दिखाई पड़ता है जादू लेकिन वास्तव में होता नहीं। आप लोग जादू देखे कि नहीं देखे? कभी देखा नहीं लड़के को चीरते हुए, काटते हुए? और महाराज ऐसे ऐसे करता हुआ आया, पता नहीं कौन सा कपड़ा पहनता है, और फिर जो है एक जाल में बंद कर दिया, तलवार लेकर के जो काटना शुरू किया। सही में काटता है क्या? जितने देखने वाले हैं उनका दिल धक धक करता है, देखने वालों का दिल, लेकिन ना वहां पर काटता है। वो बाद में फिर लड़की खड़ी हो जाती है, लाओ पैसा लाओ, वो तो खैर टिकट देख गई ही हो। सब का सब जानन, जो जानता है इस बात को, जानन बहुत बढ़िया शब्द, जान करके, जानता हुआ न कामयते। गंधर्व पत्तने किंचित ऐंद्रजालिक निर्मिते, वहां पर एक बीच में अक्षर है ना। हाँ, अगर संधि विच्छेद करोगे गंधर्व पत्तने किंचित ना ऐंद्रजालिक निर्मिते, तो गंधर्व नगर जो है वो पूरा का पूरा ऐंद्रजालिक निर्मिते है, वो जादू का, जादूगर का द्वारा बनाया हुआ है। जानन न किंचन कामयते, जानन ऊपर वाले ना को फिर ले, जानन जान करके न किंचित कामयते, फिर कोई कामना उमना नहीं करता, किंतु क्या करता है फिर? जिहासति हसन इदम, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए उस सब को छोड़ देता है। हसन नान, अच्छा जादू देख करके मजा आता है कि नहीं? मजा आता है अंदर, तभी तो पैसा खर्चा करके हम गए। ऐसे भगवान का ये सब जादू है, एक बीज बोया उसमें से पेड़ पैदा हो गए, ये भगवान का जादू। सूर्य देवता निकले, भगवान का जादू है। चंद्रमा आज चतुर्थी का है, टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है, ये जादू है। किसका? हमारा नहीं, ये भगवान का जादू है। का भगवान का जादू है? एक मांस का गोली, मांस और नसों की एक छोटी सी गोली और देखती है। हाँ, कौन सी आँख? मांस का है, मांस का, नसों का, रक्त का बना हुआ एक गोली है। आपको शायद ना पता हो, साउथ अफ्रीका में जानवरों की आँख जहाँ पर परोसी जाती है बहुत महंगी होती है। ऐसे क्यों बनाए?
अपने हिंदुस्तान में कलेजा नहीं खाते का? जो बकरा वकरा खाने वाले हैं, कलेजी महंगी मिलती है, मुर्गे की टांग चबाते रहते हैं। अब तुम लोग तो जब कलेजी, कलेजी माने हार्ट, और क्या, यही तो है ना, और क्या होगा। तो एक मांस का एक पिंड, और इतना दुनिया देखती है, ये क्या भगवान का जादू नहीं है क्या? क्या जादू नहीं है? हड्डी मांस का बना हुआ एक कान, यही तो ना, और आपको शब्द सुनता है, जिसमें एक भी हड्डी नहीं है ऐसी जीभ आपकी, एक भी हड्डी नहीं है, केवल मांस और रक्त आदि हैं, वो जीभ से आप शब्द का उच्चारण करते हो, ये क्या भगवान का जादू नहीं है क्या? ये शरीर है क्या महाराज? एक स्पर्म ही तो था, एक जीव छोटा सा था, उससे बड़ा हुआ, आज बड़ा हो के इतना बड़ा हो गया है खाते खाते, ये अंश से बन करके एक शरीर काम करता है, बोलता है, विचार करता है, चिंतन करता है, ये क्या ईश्वर का जादू नहीं है क्या? यही भगवान की योग माया है, पश्य मे योग ईश्वर, ये मेरी योग माया है, देखो। हाँ, ये प्रत्यक्ष ईश्वर का जादू है, कहाँ संसार के जादू में फंसते हो। एक एक पेड़ में से महाराज मीठा मीठा फल निकला, उसके बगल में एक पेड़ है, जमीन वही, धरती वही, पानी वही, उसमें से कड़वा कड़वा फल निकला, क्या है ईश्वर का? जमीन वही है ना, पानी वही है, खाद वही है, और कभी कभी तो एक ही पेड़ में दो तरह का फूल निकलता है ना, एक लाल एक सफेद, देखा है कि नहीं? एक लता होती है लाल और सफेद का फूल का, क्या नाम है उसका, मालती, लाल भी सफेद भी, बोगनवेलिया मालती, ये कहीं पेड़ में से दो तरह का फूल, ईश्वर का जादू नहीं है क्या? ये कहीं पेड़ में एक फूल खिला, वो सवेरे लाल, दोपहर में गुलाबी, और शाम को कैसे सफेद, नहीं सवेरे सफेद, सवेरे सफेद, दोपहर में गुलाबी लाल, और रात में कुछ और, नहीं देखा मेरे आश्रम में लगे होंगे कहीं, सवेरे खिलता है तो पूरी तरह से सफेद, दोपहर में बदल जाता है, शाम को और रंग बदल जाता है, ये क्या भगवान का जादू नहीं है क्या? एक ऐसा जीव जो दिन भर में सौ सौ रंग बदल ले हुए ना गिरगिट, ये क्या ईश्वर का जादू नहीं है क्या? एक ऐसा जीव जो देखने में इतना मोटा सा लंबा सा, और पूरी की पूरी बकरी निकल जावे अपने भीतर, ये क्या जादू नहीं है क्या उनका? इतने मोटे से भीतर बकरी कैसे घुस गई अंदर, सांप खा जाता है बकरी को, कैसे जाना जाता है, ये भगवान का जादू नहीं है क्या? अगर समझो तो ये सारी सृष्टि ही परमेश्वर की माया से बनी है, ये जादू है, ये जब दिखाई पड़ गया ये जादू है, तो जानन न का न किंचित काम है थी, जानने वाला कोई कामना नहीं करता बल्कि देख करके मुस्कुराता है, वाह अरे मेरे मालिक क्या बढ़िया तुमने लीला किया। जो संभव नहीं है वो दिखाई पड़ता है, जो उचित देश में, उचित काल में, उचित स्थान पे नहीं है, उसी का नाम है वैतथ्य, वितत भावो वैतथ्य, सबका सब दिख रहा है, ये जितना दिखाई पड़ रहा है, अरे महाराज दिखने में तो अच्छा लगता है, मन होता है पकड़ू, बोले आपात रमणी, बहुत बढ़िया शब्द है। अब यहाँ पर देखो किम इच्छन, कामनाओं पर प्रहार है, पहला सिद्धांत बताया था जगत को झूठा समझो, फिर जो जगत दिखाई पड़ रहा है वो अगर दिखाई भी पड़ रहा है तो केवल इंद्रिय जाल, केवल जादूगर की माया, नहीं हमको सुंदर दिखाई पड़ता है, कहते हैं सुंदर जो दिखाई पड़ रहा थोड़ी देर के लिए, आपात रमणीय येशु भोगे सेवम विचारवान, नानु रज्यते किंतेतान, दोष दृष्ट्या जिहासति, अर्थानामर्जने क्लेशः, तथैव परिपालय।
नासे दुःखं व्यये दुःखं धिक्कर्थान क्लेशकारिणः संसार में आपको दिखाई पड़ रहा है आपात रमणीयेश, आपात रमणीयेश माने तुरंत तुरंत आपको सुंदर लगता है, लगता है कि बहुत सुंदर है, शोभन है, मिल जावे। जब वही चीज मिल जाती है तो उसमें से सुख खत्म हो जाता है, इसका नाम है आपात रमणीयेश। जिस समय आकर के मिलता है उस समय लगता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन महाराज बाद में सुख तो वहां से खत्म। आपातरम तत्काली त्वरित थोड़ी देर तक आपातरम। बहुत बढ़िया शब्द है ये, अगर याद कर लो तो बहुत बढ़िया हमको लगता है इस पर चिंतन करने का। आप जगत की हर वस्तु घर पे बहुत सारे कपड़े बड़े चाव से आप लोग खरीदते हो, एक दो दिन पहना और उसके बाद उठा करके जो रख दिया तो सालों साल फिर वो रखा रहता है घर में, एक दो दिन आपात रमणीय थोड़ी देर के लिए अच्छा रहता है, थोड़ी देर उसके बाद भोगे सुख एवं जो विचार मान है ऐसा विचार करके ना अनुरज्जत किंतु किसी चीज में वो आसक्त नहीं, ना अनुरज्जति, अनुरज्जत माने पूरी तरह से आसक्त नहीं होता, बस देखा सुना किनारे हो गया। अनुरज्जत माने चिपक नहीं जाता। क्यों? ये दान दोष दृष्टिया, इनमें सब में दोष उसको दिखाई पड़ता है। अभी अच्छा दिखाई पड़ रहा है, पहाड़ में अगर कभी जाओ पहाड़ में तो वहां पर जगह जगह पर फॉरेस्ट वाले लिखा के रखते हैं कि यहाँ पर जिस वृक्ष को जिस फल को कभी जानते नहीं हो उसको छूना मत। और कई छोटे छोटे ऐसी झाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं जिनके फल देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, आकर्षक लगते हैं, पकड़ लो उनको और बाद में वो जहर जैसा होता है। आपात्र देखने में तुरंत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में विचार करो तो वहाँ पर कोई सुख का नामो निशान नहीं। दृष्टांत देते हैं गुंजा का, कोई गुंजा फल होता है, गुंजा फल है, गुंजा फल लाल लाल होता है, लाल लाल होता है गुंजा फल, देखा है कि नहीं पता। बंदर सर्दी से तड़प रहा है, बंदर सर्दी से तड़प रहा है। एक दिन बंदर ने देखा था कि एक वैसा आदमी आया था, वो आदमी जब सर्दी लगी थी तो उसने आग जला करके अपनी सर्दी को दूर किया था। बंदर ने विचार किया, बहुत बढ़िया, जल्दी से उसने वही लाल लाल फल इकट्ठा कर, ये आग है लाल लाल, इकट्ठा कर लिया इतना सारा और उसके पास बैठ के ऐसे ऐसे करता है जैसे आदमी कर रहा था। एक दिन सर्दी दूर होगी उसकी, फल इकट्ठा, वो गुंजा के छोटे छोटे फल इकट्ठा करने में मेहनत किया और उसके सामने इसे बैठ करके क्या कर रहा है अपनी सर्दी को, बोले वो देखने में गुंजा फल सुंदर है, आपकी सर्दी को दूर करने वाला नहीं है, ऐसे ही आपके हृदय को तृप्त करने वाला कोई इस जगत का विषय नहीं है, केवल अपनी आत्मा है। दोष दृष्टिया जिहा, जिसको कहते प्रतिपक्ष भावना से, दोष दृष्टि से, जहाँ पर आसक्ति है, ममता है, राग है, वहाँ पर उसकी कमियों को देखो और जहाँ पर जलन है, घृणा है, उसमें कोई अच्छाई देखो। प्रतिपक्ष भावना से चिंतन करते हुए और अपने मन को शुद्ध करो। अगला श्लोक है आरथा नाम, ये बहुत प्रसिद्ध है श्लोक, ये बहुत प्रसिद्ध है विद्वानों के बीच में। अर्था नाम अर्जने क्लेशः, पैसा कमाने में बड़ा दुख है। आसानी से कहाँ पैसा मिल जाता है महाराज, ये बच्चे लोग ना वो कदर करते नहीं। अर्था नाम अर्जने क्लेशः, पैसा कमाने में बहुत अच्छा मिल जावे पैसा तो, मिल जावे तो, तथैव परिपालने, उस पैसे को बचाए रखने में घोर दुख है। क्यों घोर दुख है? हाँ, चोर न ले जावे, हाँ चोर न ले जावे। अरे कई बार तो माता पिता से डर लगे, माँ बाप ही ना मांग ले,
पुत्रादपि, कई बार अपने बच्चों से डर लगता है, बच्चे न छीन लेंगे, अब कुछ नहीं तो सरकार से डर लगता है, पैसा कमाने में दुख और उसको बचाए रखने में दुख। और महाराज नासे दुखम, अरे राम राम, वो धन एक दिन सारा का सारा नष्ट हो जाए, आदमी कहता है अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं, सारा मेरे पास में इतना धन था सब चला गया। नासे दुखम व्यय दुखम, जिसके पास होता है खर्चा करने में भी दुखी होता है, खर्चा करने में दुख होता है कि नहीं? नहीं, खर्चा करने में दुख नहीं होता, उसकी पहचान इतना है कि आपके पर्स में नई नई नोट भी हो पुरानी सड़ी नोट भी हो, दुकान वाले को कौन सी नोट देंगे? हाँ, क्यों देंगे दुकान वाले को? ये पहचान है कि खर्चा करने में दुख हो रहा है, दिल कह रहा है अरे 5 किलो सब्जी लेने की क्या जरूरत है, 3 किलो में काम कराओ। व्यय दुखम, खर्चा होने में दुख तो होता है बिल्कुल, व्यय दुखम। अंतिम कहते धिक अर्थान क्लेश कारिणः, अरे धिक अर्थान, हे रुपया, हे माया, हे लक्ष्मी, तुझको धिक्कार है, क्यों? तो मिलने में दुख, बचाए रखने में दुख, व्यय करने में, खर्चा करने में दुख, नष्ट हो जाए तो महादुख, उसको धिक्कार। लेकिन दुनिया इसी के पीछे तो पागल है। हाँ, अगला श्लोक पढ़ लो जी। अब एक एक चीज में ये है किम इच्छन, किसकी कामना करूं, कि जगत पूरा इंद्रजाल के जैसे, धन ऐसा, विषय कैसे। अब देखो मांस पांचालिकायास्तु यंत्र लोलिंग पंजरे स्नायस्तु ग्रंथिशालिन्याः, स्त्रिया किमिव शोभनम् एवं आदिषु शास्त्रेषु दोषा सम्यक् प्रपञ्चिताः ब्रह्मसन्निशंतानि कथं दुःखेषु मञ्चते। अब इसमें स्त्री को बताया गया है, यहाँ पर जब उपदेश दिया जा रहा है तो उपदेश को सुनने वाला कोई पुरुष होगा, कोई सन्यासी महात्मा होगा। तो हम कई बार इसको हमने प्रवचन में कहा है कि जब हम प्रवचन करते हैं या प्रश्न का उत्तर देते हैं तो प्रश्न का उत्तर नहीं देते, प्रश्नकर्ता के मन को उत्तर देते हैं। जब हम उपदेश करते हैं तो सामने कौन बैठा है, बालक है कि वृद्ध है, पढ़ा लिखा है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, तो श्रोता के मन को देख के उपदेश किया जाता है। यहाँ श्रोता के रूप में कोई एक पुरुष शिष्य है, उसके मन में स्त्री की एक भावना है, तो कहते हैं अरे स्त्री क्या है, क्यों स्त्री की कामना करते हो, देखो क्या है, हाड़ मांस का पिंजड़े तो है, मांस पांचालिका, मांस पांचालिका, मांस आदि और पांच चीजों से गुथा हुआ एक शरीर है, कौन सा पांच चीज, पांचालिका, पांचालिका माने हा? अरे पांचालिका माने पांच महाभूत ले लो, हाँ पांच महाभूत ले सकते हो। फिर नीचे लिखा स्नायु अस्थि ग्रंथशालिन्यः, स्नायु अस्थि माने हड्डी, ग्रंथ मांसपिंड, शरीर में इसको कहते 7 धातु है ना, 5 महाभूत से शरीर बना, 7 धातु से शरीर बनता है, 7 धातु अस्थि मेद मांस मज्जा रक्त वीर हाँ त्वक, हाँ ओ शास्त्रीय शब्द चर्म नहीं है त्वक है, त्वचा, त्वचा हड्डी मांस खून, मेद, मेद माने जिसको WBC बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, हाँ मेद वीर, 7 धातु मिलकर के ये शरीर हमारा बनता है।
तो पांच महाभूत सात धातु से बना हुआ ये स्त्री का एक शरीर है। ये जब पांच धातु पांच चीज और सात धातु से मिलके बना शरीर है तो एक मशीन कैसे है कि नहीं है। यंत्र लोले अंग पंजरे, अरे ये अस्थि पंजर जितना है ये सब का सब मशीन के जैसे चल रहा है यार, रोबोट है। रोबोट हिलता डुलता है कि नहीं, वो जो मशीन बनती है वो चलती फिरती है कि नहीं, काम करती है कि नहीं रोबोट। हाँ है तो मशीन ना, तो उसको देख करके अपने मन को आसक्त मत करो। किमी शोभनम, इसमें कौन सा सुंदरता है? सुंदरता तो आपने आरोपित किया है, हमने अपने मन से सुंदरता पुरुष के शरीर में। अगर स्त्री कोई श्रोता होती तो हम पुरुष का शरीर लेते। हाँ यहाँ कोई भेद नहीं है, तो स्त्री के शरीर में या पुरुष के शरीर में किम यू शोभनम, सुंदरता क्या है? सुंदरता तो आपने अपने मन से डाल दी है वहाँ पर कि ये सुंदर है ये सुंदर नहीं है। क्यों आप आसक्त होते हो, क्यों आसक्त होते हो? किम यू शोभनम, सब का सब एक मशीन है, मशीन चल रही है मशीन। भाई इस मशीन में भी तो आप उसमें जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हो तो इसमें भी तो कुछ डालना पड़ता है ना, गाड़ी में से भी जो है वो इंजन चलता है, ये भी इंजन चल रहा है, सब कुछ मशीन के जैसे चल रहा है पूरा का पूरा। ये एक यंत्र है, ये शरीर एक यंत्र है, एक कार है, एक मशीन है, इसमें मोहित मत हो। कीमत है इस मशीन के भीतर बैठने वाले की। कार ज्यादा कीमती है कि कार के भीतर बैठने वाला, बैठने वाला है ना? हाँ वही तो है, जो कार का मालिक है, जो अंदर कार में बैठा है, जो अंदर कार में बैठा है, कहते हैं वो आदमी बच जाता। इसीलिए जिस गाड़ी में जितनी ज़्यादा सुरक्षा की चीज़ें होंगी वो गाड़ी उतनी महंगी होगी। चाहे आप 3 लाख की गाड़ी खरीदो, चाहे 40-50 लाख की, लेकिन कीमत किसी 2 करोड़ क्यों है उसकी कीमत? क्यों है 2 करोड़, 3 करोड़ क्यों कीमत है? बोले उसमें कुछ वो उसके अंदर जो बैठा हुआ सवारी है उसकी सुरक्षा की चीज़ें उसमें ज़्यादा होंगी, उसकी की वो कीमती है। तो ऐसे ये शरीर मशीन है, इस शरीर के भीतर बैठा हुआ जो आत्मा है वो कीमती है, हम उसको भुला देते हैं और शरीर को सजाने संवारने में सारा जीवन कम। बस यही चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस शरीर में पुरुष स्त्री जिसका भी शरीर है, ये शरीर 7 धातुओं से 5 महाभूतों से बना है, ये चलता है फिरता है, ये भगवान की माया है, जादू है। इसमें कोई बहुत ज्यादा सुंदरता का अभ्यास नहीं करना, ये उपयोगी है, काम का है। इससे कार्य करेंगे, ध्यान प्राप्त करेंगे, साधना करेंगे और मुक्त हो जाएंगे। साधन होता है साध तक पहुंचाने के लिए। हम गाड़ी में बैठे इस अपने गंतव्य पर पहुंचे, गाड़ी छोड़ के कमरे में प्रवेश कर गए। आसक्त जब हो जाते हैं तभी वो दुख देता है, आसक्ति से बचना है। एवं आदिशु शास्त्रेषु, इस प्रकार से सभी शास्त्रों में दोषा सम्यक प्रपंचिता, संसार के सारे विषयों में मानी एक जगत में, जगत के विषयों में, घर में, धन में, व्यक्ति में, वस्तु में, सब में दोषों को बताया गया है, दिखाया गया है कि आप एक नज़र से देखते हो, जरा दूसरी नज़र से भी तो देख लो ना, सिक्के का दोनों पहलू हो ना। ऊपर से कोई चीज़ बहुत सुंदर लग रही, आकर्षित लग रही है, लेकिन खाओगे तो मर जाओगे, जहर है। बच्चा दीपक को देख के पकड़ने दौड़ता है, क्योंकि उसकी बुद्धि में ये संस्कार नहीं है, उसको पता नहीं कि दीपक छुएंगे तो हम जल जाएंगे। उसको दीपक आकर्षित करने वाला लगता है, दीपक को देख के पकड़ने दौड़ता है। आप हाथ पकड़ के खींच लेते हो, 10 साल के बाद में वो भी उसकी बुद्धि में संस्कार हो जाएगा, आग जलाती है, छूना ठीक वो फिर दूसरे को सिखाएगा, यही से चलता रहता है। तो ये संसार के विषय आपात रमणीय स्वयं देखने में सुंदर लगते हैं, है नहीं विमर्शन अनिशम, रात दिन इसका चिंतन करते करते अपने मन को हटा लो। कथम दुखे मज्जते, दुखों के संसार में क्यों डूबते हो? मज्जत माने डूब जाना, इस संसार के दुखों में मत डूबो।
मन को हटा लो। इस प्रसंग का अंतिम श्लोक है, क्षुधया पीड्यमानोपि नापि संह्यक्तुमिच्छति मिष्टान्न ध्वस्तत्रिङ्ग जानन् मिष्टान्न ध्वस्तत्रिङ्ग जानन् नामूढस्तं जिघत्सति। क्षुधया पीड्यमानो अपि, क्षुधा से भूख से हमारा पेट दर्द कर रहा है, पेट में मरोड़ उठ रही है, भूख से परेशान हूँ। सामने बहुत बढ़िया थाली आ गई भोजन की, खीर है, हलवा है, पूड़ी है, सब बढ़िया बढ़िया भोजन है, भूख से तड़प भी रहा हूँ, रोटी उठा के खाने जा रहा था, अचानक एक किसी ने कहा देखो इसमें विष मिला हुआ, पता लग जावे कि इसमें जहर तो नहीं, तो भूख तो लगी है, भूख लगी होने से क्या खाऊंगा नहीं। उसी प्रकार से कह रहे हैं मिष्ठान ध्वस्त त्रिंग जान, अरे भैया यहाँ तो अच्छा मान लो एक आदमी ऐसा है, थाली रखी है उसमें जहर भी है, जहर भी है, भूखा आदमी भी जहर वाले को नहीं खाएगा, और एक ऐसे आदमी के सामने थाली रख दी गई जो बढ़िया अभी अभी भंडारा खा के आया है, पकवान मिष्टान, मिष्टान माने, मिष्टान माने भंडारा खा के आया, बढ़िया बढ़िया, ध्वस्त त्रिंग उसकी जो भूख है ध्वस्त हो गई है, पूरी तरह से पेट भर के आग खाया है गले तक, अरे राम राम। अच्छा खूब पूरा का पूरा भंडारा खा के उतृप्त हो गए, मिष्टान ध्वस्त त्रिंग, इतना खा लिया है कि भूख उसकी पूरी तरह से शांत हो गई। अब उसके सामने भोजन की थाली रखो, महाराज खा लो, महाराज खा, जानन वो जान भी रहे, खा के भी तृप्त हो गए, ये भी जान रहे कि इसमें एक बूंद साइनाइड भी मिला हुआ है, वो कैसे खाएंगे, वो कैसे खाएंगे, और अगर फिर भी खाते हैं तो कौन है, मूढ़, फिर वो मूर्ख ही होगा जो उसको खाने की इच्छा करेगा। ऐसे जो अमूढ़ है, जिनके भीतर मूर्खता नहीं है, जो ज्ञानी हो गए वो फिर ऐसा भोजन करने की इच्छा। तो अच्छा जैसे एक तो मिष्ठान खा के भंडारा खा के तृप्त, और दूसरे थाली में जो भोजन दिखाई पड़ रहा है दिखने में सुंदर है लेकिन है उसमें जहर मिला हुआ, कौन खावेगा, कौन खावेगा। सत्संगी आदमी अपने आत्मज्ञान से है तृप्त, अपने भगवत भाव से हो गया है भीतर तृप्त, ये है उसका भंडारा, क्योंकि अपना सच्चिदानंद स्वरूप से हो गया तृप्त। और संसार की जो थाली सामने दिखाई पड़ रही बढ़िया बढ़िया चीजें, सात दस पार स्वरूप रस गंग, उसको पता है कि देखने में सुंदर लग रही है लेकिन है कैसी, ये जहर मिला हुआ दुख देने वाली, वो कैसी जावेगा फिर उसने, फिर किम इच्छन कस्य काम है, फिर क्यों आसक्त हो गए, फिर वो केवल व्यवहार निभा लेता है, दुनियादारी निभा लेता है। कहीं पर ऐसे महापुरुष लोग आसक्त नहीं होते। यहाँ पर एक प्रश्न पूरा हुआ, आगे महाराज फिर कहते हैं महात्मा लोग भी तो भिक्षा तो मानते ही हैं ना, अच्छा क्या महात्मा जी को सर्दी नहीं लगती तो उनको कंबल नहीं चाहिए, तो बोले चाहिए सब कंबल, सर्दी लगती तो कंबल भी चाहिए। तो अब प्रारब्ध का विषय लेते हैं और इस प्रसंग को हम लोग शाम को पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः। क्या चाहिए पहनने के लिए, सबसे ज़्यादा ज़्यादा कपड़े वही पहनते हो जो साधारण तरीके से आरामदेह होता है, कैजुअल कह लो, है ना, अंग्रेजी भाषा में यही बोलते ना कैजुअल कपड़े, आप पैंट शर्ट कोट टाई साई ये सब बढ़िया रेशमी साड़ी और वो सब पहन के कितने दिन रहोगे घर में, हाँ कहीं पार्टी में जाना है तब पहन के तैयार होती है साड़ी वाली, और वहाँ से आते महाराज वो चमा चमचम वाला सब पहना और आते सब उतारा, आप लोग भी हाँ ज़्यादातर कपड़े कौन सा पहनोगे, वही नॉर्मल कपड़े जो घर में पहने जाते हैं, कौन सा सुख रहेगा। अच्छा दिखाने की ज़रूरत क्या है, क्या क्या, अगर मान लो मैं किसी के यहाँ पर शादी में जा भी रहा हूँ
मैं अपनी बात कहूँ, मैं जा भी रहा हूँ, तो चाहे मैं फटा कपड़ा पहन के जाऊँ, चाहे गंदा, चाहे सीधा, चाहे जैसे जाऊँ, जो वहाँ जो जानता है कि स्वामी जी हैं वो सब जानते ही जानते हैं, वो सम्मान करें ही करें। और जो नहीं जानता उसके लिए चाहे जितना चंदन और कपड़ा पहन के जाऊँ, उसके लिए कोई कीमत कम है? उन्हें आप भी समझ लो, आपको जो जानता है चाहे जैसे जाओ, जो जानता है आपको जानता है, और जो नहीं जानता उसके लिए आप कोई ही मायने नहीं रखते, चाहे जैसे जाओ। क्या कितनी बढ़िया चीज है, तो क्या दिखाऊं, किसको दिखाऊं? अच्छा आप लोग जान रहे हो ना स्वामी जी हैं, स्वामी जी हैं तो हैं, स्वामी जी कुर्ता ना भी पहनो तो तब भी आप प्रणाम करो, और जो नहीं जानता उसके लिए चाहे जितना सुंदर बन के जाऊं, तो सहज भाव से, जरूरतें नहीं है ज्यादा, जरूरत नहीं है। आप कम से कम इस उम्र में हम लोगों की जरूरत तो ज्यादा, आप बस केवल जबरदस्ती का पापड़ बेलते हैं। जगत को आपात रमणी बोला है, बस ये शब्द है, सृष्टि कैसी है आपात, बहुत बढ़िया शब्द, बहुत बढ़िया शब्द है, तुरंत अच्छी लगती है, देखने में बहुत अच्छी लगती है, लगता है मिल जाओ तो मैं सुखी हो जाऊँ, अब अगर मिल जाता है तो उसी से लगता है कि कब बचूं भागूं इससे, आपात रमणी।